तुमने सब अच्छे से समझा दिया। हाँ चलो अच्छा है, चलो चलो। अरे एक मिनट एक मिनट, अरे क्या चलो रे चलो, मैंने तो इतना ही बोला अच्छा है। अरे भिड़े भाई, नीचे टेम्पो से सामान निकालने जा रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, नहीं जाए जाए, बिल्कुल भी टाइम मत नहीं है आपके पास, जल्दी से शुरू कर दीजिए प्लीज, और इस क्लब हाउस को बढ़िया से डेकोरेट कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भिड़े भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, सोसाइटी और क्लब हाउस को ना डेकोरेशन और लाइटिंग से एकदम मस्त चमका दूंगा। चलो चलो। वैसे अंजलि भाभी, रोशन भाभी, आप दोनों ने सजावट कुमार को अच्छे से समझा दिया है ना? हाँ भिड़े भाई, हमने उन्हें समझा दिया है और वो एक ही बार में सब अच्छे से समझ भी गए। चलो अच्छा है, वैसे अच्छा है कि आप दोनों मेरे साथ है, वरना पता नहीं क्या होता। बस आज का फंक्शन एकदम यादगार होना चाहिए ना? आपको बताएं भिड़े भाई? नहीं बता रही हूँ ना, आज के फंक्शन को यादगार बनाने के लिए ना हमने सजावट कुमार को एक एकदम हटके आइडिया दिया है। अरे वाह, क्या आइडिया है? आज के फंक्शन में हमने पोपट भाई के लिए स्पेशल एंट्री प्लान की है, देखना आज उनकी एंट्री एकदम धमाकेदार होगी। हाँ भिड़े भाई, पोपट भाई लड़की वालों के सामने एकदम हीरो जैसे एंट्री कर से। हीरो जैसी एंट्री? बताइए ना, मेरी हीरो जैसी एंट्री कैसे होगी? एकदम जोरदार एंट्री थवानी छे पोपट भाई। नहीं वो तो समझ गया, जोरदार होगी, पर कैसे होगी, मैं क्या करूंगा, कहां से आऊंगा, बताइए ना। पोपट भाई, वो आपके लिए और गोकुलधाम वालों के लिए सरप्राइज है। 8:30 लड़की वालों के आने से पहले पोपट भाई की एंट्री कैसे होगी, कहां से होगी, वो हम सबको बता देंगे। हाँ। 8:30 तक इंतजार नहीं हो पाएगा, प्लीज अब भी बता दीजिए ना स्पेशल एंट्री कैसे होगी। अरे ओ भाई, भाभी जी ने कहा ना कि सरप्राइज है, तुम्हें क्या करना, जाने दो ना, तुम्हारी सगाई है क्या? हाँ भाई, इन्हीं की सगाई है। कौन है ये जो मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है? ये सगाई के डेकोरेटर है सजावट कुमार। तो इसको पता होना चाहिए कि क्लाइंट से कैसे बात करते। अभी के अभी इसको कैंसल कर और दूसरे डेकोरेटर को बुला। क्या बोला आपने, कैंसिल कर? अरे आप क्या मुझे कैंसिल करेंगे, मैं आपको कैंसिल करता हूँ। इधर काम ही नहीं करना मेरे को। छोड़िए ना, मैं क्यों रोक रहे हैं आप इसको भाई, जाने दो। अरे निकलो भाई निकलो, रुक जाइए प्लीज। पोपटलाल तुम क्या कर रहे हो भाई, अगर ये डेकोरेटर चला गया ना तो इतने कम समय में दूसरा डेकोरेटर मिलेगा नहीं, आपकी सगाई नहीं होगी, आपकी सगाई की तैयारी नहीं होगी। अरे बाप रे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, गधे को बाप बनाना पड़ेगा। देखिए सजावट कुमार जी, गलती आपकी भी है। आप इस तरह से टेढ़ी बात करेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, और आज मेरी सगाई है, माफ कर दीजिए। हाँ सजावट कुमार जी, इसको दूल्हा समझ के माफ कर दीजिए। समझ के क्या भाई, दूल्हा हूँ मैं, नादान समझ के माफ कर दीजिए। ठीक है ठीक है, लेकिन भिड़े भाई इनको समझा दो कि हमें दो पैसा कम मिलेगा चलेगा, लेकिन इज्जत अपने को ना फुल चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे इज्जत नहीं वहाँ पे सजावट कुमार नहीं, कर ये हुई ना बात। समझ गया समझ गया, मैं समझ गया, आप काम शुरू कर दीजिए। ठीक है ठीक है, सॉरी। इट्स ओके, होता है भाई ऐसा कभी कभी। ऐसा आप मुझे बोलो तब मैं काम शुरू करूंगा। हाँ आप काम शुरू कर दीजिए। सॉरी सॉरी तो बोल दिया, अभी ये क्यों खड़ा है? पासवर्ड डालो। मतलब पासवर्ड? प्लीज बोलो प्लीज। आप काम शुरू कर दीजिए प्लीज प्लीज। ए चलो काम चालू करो। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए। भिड़े तुझे पूरी दुनिया में मेरी सगाई की डेकोरेशन के लिए यही नमूना मिला? पोपटलाल माना कि ये थोड़ा टेढ़ा है लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है, बहुत जबरदस्त डेकोरेशन करेगा, और अगर नहीं किया ना तो तुम्हारा नाम बदल देना। मेरा नाम बदल देना। हाँ पोपट भाई, हमने डेकोरेशन और आपकी एंट्री का जो भी डिस्कशन इनके साथ किया है ना, उससे लग रहा है कि इनका काम फर्स्ट
फर्स्ट क्लास होगा। अच्छा, इसे यकीन नहीं हो रहा है, अभी कुछ ही घंटों में यहाँ मेरी सगाई होने वाली। 8:30 बज जाने दीजिए, फिर यकीन हो जाएगा। चलो अभी चलते, और भी काम बाकी है। आप लोग जाइए, मैं संभाल लूंगा। भाई जो भी करना प्यार से करना। हाँ करेगा करेगा। सजावट कुमार जी, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सारा काम शांति से कीजिएगा, गुस्से में कुछ नहीं रखा है, जीवन में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। आगे भी देखिए, अगर कोई भूल चुक होगी तो उसकी माफी मैं आपसे अभी से मांग लेता हूँ। आप लेकिन आधा काम छोड़कर मत जाइएगा, काम पूरा कीजिएगा और फर्स्ट क्लास कीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन इज्जत में कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं होगी इज्जत में, फुल इज्जत मिलेगी आपको। देख लेना, चिंता मत करो। मुझे लगता है नहीं काम करेगा ठीक से, तो एक बार और बोल के आता। नहीं नहीं नहीं, बात अभी बोल दिया ना तुमने, बहुत अच्छा। हाँ अब तू संभाल लेना। ये तो गजब हो गया, छोड़ूंगा नहीं मैं चेतावना को। संभाल के बबी दाजी। छील छील रिलैक्स। लूडो खेलो, जलसा करो, डाउनलोड एंड प्ले नाउ।